किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि सोयाबीन में पत्ती पीली पड़ने के कारण के लिए और विशेष रूप से अभी अवर्षा की स्थिति में सोयाबीन की कई किसानों के द्वारा जानकारी मिली है कि सोयाबीन की पत्तियां पीली पड़ रही है। अवर्षा की स्थिति के कारण हमारी यहाँ जो लवणी भूमि है उसमें पीएच लगभग 7 से ऊपर होता है और इंदौर के आसपास या मध्य प्रदेश की ज़मीनों में करीब करीब 8 के आसपास पीएच होता है, जिसे हम लवणी भूमि बोलते हैं। और ये इस प्रकार की भूमियों में कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता के कारण ये आयरन की कमी, लोह तत्व की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये पत्तियाँ पीली पड़ती है। तो यदि आप ध्यान से इन पत्तियों को देखेंगे तो पूरी पत्ती पीली होती है और जो पत्ती की नसें होती है वो हरी रहती है। यदि आप इस चित्र में देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जो पत्ती की नसें हैं वो एकदम गहरी हरी है, बाकी दूसरा जो पोर्शन है, भाग है पत्ती का, वो पीलापन लिए हुए है। और इस पीलापन ये केवल पौधे के अग्रभाग में, जो सबसे ऊपर भाग रहता है, जो नवीन पत्तियां निकलती है उन्हीं में दिखाई देता है, नीचे की पत्तियों में नहीं दिखाई देता है। तो ये आयरन की कमी के कारण होता है और इसको हम कैल्शियम इंड्यूस्ड आयरन क्लोरोसिस बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ज़मीन में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, उसके कारण यह आयरन को अघुलनशील अवस्था में ला देता है और पौधा उसको ले नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये, और ये अधिकतर होता है अवर्षा की स्थिति में या अधिक बारिश की स्थिति, दोनों ही स्थितियों में होता है। तो ऐसी स्थिति जब अवर्षा की स्थिति ख़त्म हो जाएगी और बारिश आ जाएगी तो ये पीलापन अपने आप ख़त्म हो जाएगा और इसमें किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह ध्यान रखें, और जहाँ पर पानी भरता है, जिन स्थानों पर पानी भरता है और वहाँ पर यह पीलापन दिखाई देता हो इस प्रकार का, तो वहाँ से पानी की निकासी कर दें तो यह पीलापन समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों ही स्थितियों में आता है और ये अपने आप ठीक हो जाएगा। जब बारिश होगी तो ये अपने आप पत्तियाँ वापस हरी हो जाएगी और अपने स्वरूप में आ जाएगी। तो इसलिए अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और न कोई रसायन डालना है। और जो भी रसायन डालते हैं, हमें एक बार के रसायन डालने से ये हमें फ़ायदा नहीं होगा सोयाबीन की फसल को, और ये इसको 2 या 3 बार स्प्रे करना होगा जिससे ये पत्तियां हरी हो पाएगी। तो ये और आर्थिक रूप से ये लाभ हमको आर्थिक लाभ नहीं देगा इस प्रकार का स्प्रे करना। इसलिए तो मेरी अनुशंसा है कि आप पानी का इंतज़ार करें और जिन किसान भाइयों के पास में सिंचाई की व्यवस्था है वो सिंचाई कर दें तो ये पत्तियां पीली पड़ना कम हो जाएगी और हरी हो जाएगी। तो इस तरह से आप हमारी सोयाबीन फसल को आयरन क्लोरोसिस से बचा सकते हैं।